शराब पीने गुटखा खाने से परेशान पत्नियों की खबर आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई पति अपनी पत्नी से उसकी शराब की लत और गुटखा खाने की लत से परेशान हो और उससे तलाक चाहता हो? अगर नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां एक पति अपनी पत्नी से उसकी शराब और गुटखा खाने की लत से इतना परेशान था कि उसने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि पत्नी शराब पीने की आदी है, गुटखा खाकर कमरे में यहां वहां थूक देती है, मना करता हूं तो उसने 3 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, फिर परिवार वालों को फंसाने की कोशिश की। युवक की इस याचिका पर कोर्ट ने जो कहा है उसकी भी खूब चर्चा की जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बिलासपुर बेंच के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पत्नी का ऐसा व्यवहार गैर जिम्मेदारी भरा है। कोर्ट ने कहा, पत्नी अगर पुरुषों की तरह पान मसाला, गुटखा और शराब पीकर पति को तंग करती है तो ये क्रूरता है। जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता कोरबा जिले के बांकी मोंगरा का रहने वाला है। साल 2015 में उसकी शादी हुई। शादी के 7 दिन बाद पत्नी को बिस्तर पर बेहोश देखा तो वो उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गया। तब डॉक्टरों द्वारा की गई जांच में पता चला कि महिला को गुटखा खाने और शराब पीने की लत है। पति का आरोप है कि परिवार वालों के समझाने के बाद भी वो अपनी आदत छोड़ने को तैयार नहीं, बल्कि अगर उसे मना किया जाता है तो वो खुदकुशी की कोशिश करती है। बता दें, पीड़ित पति ने हाईकोर्ट से पहले परिवार न्यायालय में याचिका दायर की, जहां उसे निरस्त कर दिया गया और इस फैसले के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर पति की तलाक की अपील स्वीकार कर ली।